हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आइडियल फैमिली। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एसएससी, एनडीए एंड मेनी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ड पावर का कितना महत्व है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज से डेली वोकैब सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अभी तक लगभग 12 से 14 साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 से 5, फिर से एडियम्स एंड फ्रेज 4 से 5, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। मित्रों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन सारे वीडियो को आप तक कम से कम 6 से 7 बजे तक आपके पास उपलब्ध करा दें, और हमें आपका भी सहयोग चाहिए कि हम इस चैनल को और अधिक बेहतर बना सकें तथा इस क्वालिटी कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी शेयर करें तथा इसे बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। तो चलिए, बिना देर किए हुए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का साइनोनिम्स। मित्रों, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने इसे 2 पार्ट में बांटा है। जो फर्स्ट वाला है वो ब्लैक है एंड सेकेंड वाला जो है वो रेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ब्लैक है इसका जो ये जो वर्ड है इसको समझने में कोई ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये जो रेड वाला है इसे थोड़ा समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास वर्ड है क्लैरियन। क्लैरियन मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। क्लैरियन मतलब क्या होता है? कोलाहलपूर्ण मतलब शोरगुल। जैसे इसका साइनोनिम्स हो जाएगा नोइजी एंड श्रील। क्लैरियन मतलब कोलाहलपूर्ण और इसका साइनोनिम्स हो जाएगा नोइजी एंड श्रील। लेकिन अब 2 साइनोनिम्स हैं क्लैमरस एंड बॉयस्टेरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लैमरस। क्लैमरस मतलब भी होता है कोलाहलपूर्ण एंड बॉयस्टेरस मतलब भी होता है कोलाहलपूर्ण। लेकिन हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इसके लिए एक छोटी छोटी ट्रिकों का हम यूज करेंगे। जैसे क्लैमरस, क्लैमरस के लिए हम ये याद रखेंगे कि जो ग्लैमरस जो गर्ल होती है वो क्लैमरस करती ही है, यानी जो ग्लैमरस लड़की है वो कोलाहल करेगी ही, यानी वो शोरगुल करेगी, और उसके लिए शोरगुल होगा ही, कॉमन सी चीज़ है। इसलिए क्लैमरस मतलब शोरगुल, यानी जो ग्लैमरस गर्ल है वो क्लैमरस करेगी। सेकंड बॉयस्टेरस, बॉयस्टेरस मतलब जो बॉयज होते हैं जनरली वो टेरियस करते हैं, यानी जो बॉयज होते हैं वह आमतौर, ये कॉमन चीज़ है कि जो लड़के हैं वे शांत से नहीं रहते, यानी वे कोलाहल मचाते रहते हैं। तो बॉयस्टेरस का मतलब हो जाएगा कोलाहलपूर्ण और क्लैमरस मतलब भी हो जाएगा कोलाहलपूर्ण। तो क्लैरियन का मतलब क्या हो गया? नोइजी, श्रील, क्लैमरस एंड बॉयस्टेरस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है कैप्शन। कैप्शन कैप्शन मतलब होता है शीर्षक। किसी भी चीज़ का कैप्शन मतलब किसी भी चैप्टर का शीर्षक, यानी उसका कैप्शन। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा टाइटल, हेडिंग, हेडर। टाइटल सिंपल सी चीज़ है, टाइटल, हेडिंग हो जाएगा, हेडर भी हो जाएगा। थोड़ा सा हमें समझना है स्लोगन और लेबल को। स्लोगन, स्लोगन मतलब किसी भी जैसे ऐसे हुआ, स्पीच हुआ, उसका स्लोगन क्या है, उसका मोटो क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, उसका शीर्षक क्या है। जैसे लेबल हुआ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लेबल का मतलब जो होता है L A B E L वाला लेवल नहीं, ये लेवल है L A B E L वाला लेवल। इसका मतलब क्या होता है? शीर्षक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अबेट। अबेट मतलब होता है उकसाना। अबेट मतलब उकसाना। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा सपोर्ट या हेल्प। मतलब किसी को अबेट करना, यानी किसी को उकसाना। मतलब जैसे कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसको उसके
माता पिता जनरली क्या करते हैं कि उसको अबेट करते हैं, यानी उसको उकसाते हैं ताकि वो पढ़े, यानी उसका सपोर्ट करते हैं, उसका हेल्प करते हैं। और क्या हो जाएगा इसका, इनकरेज और असिस्ट। इनकरेज तो ठीक है, लेकिन असिस्ट, जैसे असिस्ट है वो रेसिस्ट से बना हुआ है। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब किसी का प्रतिरोध करना, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना। लेकिन असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या होता है, उसका साथ देना, उसका सहयोग करना, यानी उसको उकसाना, उसका सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक कन्फ्यूजिंग वर्ड आ गया है हम लोग के बीच, अबेट। वो भी अबेट था, ये भी अबेट है। इसका मतलब होता है कम होना। अबेट मतलब कम होना, मतलब रिड्यूस और डिमिनिश, रिड्यूस और डिमिनिश। इसके और साइनोनिम्स की बात करें तो ग्रोलेस, ग्रोलेस मतलब ग्रो लेस, मतलब वो ग्रो जो कम, मतलब लेस में हो, उसकी उसे क्या कहते हैं हम, ग्रो लेस मतलब कम होना, मतलब ग्रो लेस। लिसन, लिसन मतलब भी कम होना, मतलब कि जैसे किसी भी, कोई भी जैसे वस्तु है जो लिसेन अमाउंट में है, यानी कम अमाउंट में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अमनेस्टी। अमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। अमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा, मतलब राज क्षमा मतलब जो आम क्षमा, जो किसी एक समूह के लोगों को आम तौर पर जो क्षमा दिया जाता है उसे राज क्षमा कहते हैं। जैसे किसी भी दंड के लिए, किसी भी अनैतिक कार्य के लिए किसी को जो दंड दिया जाता है उसे क्षमा कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं राज क्षमा। इसका सिंपल सा साइनोनिम्स हो जाएगा पार्डन और फॉरगिवनेस, पार्डन और फॉरगिवनेस। लेकिन जब आगे बात करें तो इसका एक साइनोनिम्स होता है रिप्राइव। रिप्राइव, रिप्राइव मतलब क्या हो जाएगा, रिप्राइव मतलब भी हो जाएगा राज क्षमा, या क्षमा करना, या रिमिशन मतलब भी क्षमा करना। अब देखिए रिप्राइव को कैसे याद करेंगे, रिप्राइव को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं रेप, रेप राइव, मतलब जो रेप करता है उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, यानी रेप राइव। रिप्राइव मतलब राज क्षमा, उसका मतलब क्षमा न हो। इसको थोड़ा ऐसे याद करेंगे उल्टा करके। और रेमिशन, रेमिशन मतलब हमें याद करना पड़ेगा कि रेमिशन मतलब क्या होता है, राज क्षमा। अब बात करते हैं क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन मतलब होता है गुप्त रूप, गुप्त। क्लैंडेस्टिन मतलब क्या होता है, गुप्त, जो जो कार्य चोरी छिपे किया जाए। तो इसका हो सक इसका सिंपल सा साइनोनिम्स होगा सेक्रेट एंड इलीगल, सेक्रेट और इलीगल। ठीक है, क्लैंडेस्टिन को कैसे याद करेंगे, जैसे इसके लिए हम सिंपल सा एक सेंटेंस याद कर लेंगे, जैसे क्लैन देश 3, मतलब चाचा चंपक ने क्लैन देश में 3 फ्लैट गुप्त रूप से खरीद लिया। मतलब चाचा चंपक जो थे वो हमें नहीं जानने दिए और क्लैन देश में 3 फ्लैट भी खरीद लिए, यानी क्लैन देश 3 में गुप्त रूप से 3 फ्लैट खरीद लिए, यानी क्लैन देश 3। इसका सिंपल सा साइनोनिम हो गया सेक्रेट एंड इलीगल। आगे बात करें तो फर्टिव, फर्टिव मतलब भी होता है गुप्त, और कंसील्ड मतलब भी होता है गुप्त। फर्टिव एंड कंसील्ड मतलब गुप्त। आगे की ओर बात करें अब तो आगे आता है एकाउट्रीमेंट्स। एकाउट्रीमेंट्स मतलब होता है साज सामान। एकाउट्रीमेंट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, साज सामान। तो इसका सिंपल सा साइनोनिम्स हो जाएगा एसेसरीज एंड रिग, RIG। रिग, रिग मतलब क्या होता है, साज सामान। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रिग रिग मतलब साज सामान। इसका सेकेंड पार्ट का साइनोनिम्स हो जाएगा ट्रैपिंग्स एंड ट्रिमिंग्स, ट्रैपिंग्स एंड ट्रिमिंग्स। ट्रैपिंग्स मतलब भी होता है साज सामान, एंड ट्रिपिंग्स मतलब भी होता है साज सामान। एकाउट्रीमेंट्स मतलब साज सामान, एसेसरीज मतलब भी साज सामान, रिंग मतलब भी साज सामान, ट्रैपिंग्स एंड ट्रिमिंग्स मतलब भी साज सामान। अब आगे की ओर बात करें तो कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब आप जानते हैं, कोई कहता है कि तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करो, मतलब मेरा सहयोग करो, हमको सहयोग दो। इसका सिंपल सा साइनोनिम्स वर्क टुगेदर और कोऑपरेट। वर्क टुगेदर भी हो जाएगा और कोऑपरेट, मतलब उसके साथ कोऑपरेट करो, मतलब उसका सहयोग दो। वो अच्छा से नहीं रह रहा है तो उसका उसका थोड़ा सा कोऑपरेट करो ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो और उसे भी कोई आपत्ति ना हो। तो कोऑपरेट मतलब भी होता है सहयोग देना।
और कोलाबोरेट का एक अर्थ और होता है एक साथ क्या कार्य करना, जैसी रैली। रैली में आप देखते होंगे कि बहुत सारे, जो किसी भी पार्टी का रैली होता है तो बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ पर जुटते हैं और एक साथ किसी भी कार्य को करते हैं, यानी रैली और यूनाइट। ठीक है, अब आगे की ओर बात करें तो आगे की तरफ है मेरा इन्यूनशिएट, मतलब उच्चारण करना। इन्यूनशिएट मतलब क्या होता है, उच्चारण करना, किसी भी वर्ड का इन्यूनशिएट करना, मतलब उसको उच्चारण करना, यानी प्रोनाउंस करना, उसको वॉइस करना, अटर करना। अटर मतलब भी होता है उच्चारण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अटर मतलब उच्चारण। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब भी होता है उच्चारण करना। यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, आर्टिकुलेट में लोग समझ बैठेंगे कि ये किसी आर्टिकल या किसी वस्तु की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, उच्चारण करना। आगे बात आती है अब फ्लोरिड, फ्लोरिड मतलब होता है गुलाबी, यानी फ्लोरिड मतलब एक मीनिंग और होता है गहरा। ठीक है, तो फ्लोरिड मतलब गहरा या गुलाबी, तो इसका सिंपल सा साइनोनिम्स है पिंकिश, रेडिश, रोजी, रोज पिंक, ऐसे इसका सिंपल सा साइनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करें तो आगे हमारा आता है इनकोहरेंट। इनकोहरेंट मतलब होता है बेकार, इनकोहरेंट मतलब क्या होता है, बेकार, तुच्छ चीज़ जो है, जिसका कोई यूज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बेकार, यानी मीनिंगलेस है, मेसी है। मेसी मतलब क्या होता है, बेकार होता है। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा एब्सर्ड और एमिस। इसको थोड़ा चैलेंजिंग होगा याद करने में, तो इसीलिए जितना भी रेड वाला है इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, रेड वाले पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि ये आपके माइंड में रहे, और इसको जब आप इस सारे वर्ड को जब आप कॉपी में जब उतार रहे होंगे तो इस रेड वाले को थोड़ा हाईलाइट करके ही उतारेंगे, ताकि ये आपके माइंड में बना रहे। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब भी क्या होता है, बेकार, मतलब जो अब सड़ चुका है। इसको कैसे याद करेंगे, अब सड़, मतलब जो अब सड़ चुका है। एमिस, एमिस मतलब भी क्या होता है, बेकार। ठीक है, जिस मीनिंग पर ट्रिक बनेगा उसको हम ट्रिक से समझा देंगे, और नहीं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए बात आता है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य, मतलब किसी भी चीज़ का ऑब्लिगेटरी है, मतलब वहाँ पर इस चीज़ का अनिवार्यता है, जैसे इस चीज़ का कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मतलब रिक्वायर्ड है। जैसे आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि ब्लैंक्स के ऊपर लिखा रहता है मैंडेटरी, स्टार देकर लिखा रहता है मैंडेटरी। इसका मतलब क्या होता है कि उस फॉर्म में उस जिस फिल इन द ब्लैंक्स जो है, उस ब्लैंक्स को भरना आपके लिए अनिवार्य है, वो आप नहीं भरेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, कंपल्सरी, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, ये सब का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य। अब देखिए यहाँ पर हमारा साइनोनिम्स खत्म हो गया है, अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो, जिसमें पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पर्सन हु वर्क इन द सेम ऑफिस, मतलब वे लोग जो सेम ऑफिस में कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कलीग कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे किसी भी दफ्तर में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो वे एक दूसरे के क्या हो गए, कलीग हो गए। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो जितने भी हमारे अगल बगल के लोग होते हैं उनको हम नाइबर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो उनको हम क्लासमेट कहते हैं, अपने दोस्तों को। उसी तरह जो किसी ऑफिस में रहते हैं लोग, तो उनको क्या बोला जाता है, कलीग्स बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो आगे है वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी छोटी छोटी बात पर भी आप में गलतियाँ निकालते रहते हैं, आपकी कमियाँ खोजते रहते हैं, उनको बोला जाता है सेनोसोरियस। उन्हें क्या बोलेंगे हम, सेनोसोरियस, मतलब वे लोग जो छोटी छोटी बातों पर भी फॉल्ट निकालते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, उनको बोला जाता है सेनोसोरियस। आगे बात करें तो है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, वैसे लोग, इस दुनिया में तो वैसे भी लोग हैं जो किसी धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो धर्म न कहता हो और वो भी काम करते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, उनको बोला जाता है हेरेटिक। उन्हें क्या बोला जाता है, हेरेटिक, ठीक है, नास्तिक आदमी। तो वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन उसको क्या कहा जाता है, हेरेटिक। अब आगे बात आता है बॉर्न ऑफ मैरिड पेरेंट्स, मतलब
जो लोग मैरिड पेरेंट से जन्म लिए हुए हैं उनको क्या बोला जाता है, लेगिटिमेट। मतलब जैसे कि ये ट्रेंड चल चुका है यूरोपियन कंट्री में, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो कपल्स हैं वो बिना मैरिड के ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो वैसा ही टर्म है। मतलब ये हम लोग के लिए है, बॉर्न ऑफ मैरिड पेरेंट्स, मतलब जो शादीशुदा माता पिता से जो जन्म लिए हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है, लेगिटिमेट। अब आगे बात करते हैं, तो अगला है वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, मतलब जो किसी का डेब्ट ना भर सके उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंसॉल्वेंट। जो मतलब जो किसी का डेब्ट मतलब होता है उधार, जो किसी का उधार भरने में असक्षम हो उसको क्या हम बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। और अब यहाँ पे हम लोगों का ये जो साइनोनिम्स हुआ वो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेज, इसका अमाउंट हम कुछ दिन बाद बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, जैसे ही ये सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से समझ में आने लगेगी। थोड़ा हमें भी अभी दिक्कत हो रहा है, जैसे ही सब चीज़ सेटल हो जाती है हम धीरे धीरे इसको और इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे है इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब इन ब्लैक एंड वाइट के मतलब क्या होता है, इन राइटिंग यानी लिखित रूप में देना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और वहाँ पे लोग आपको बात न माने, वे बोले कि हमें राइटिंग में दो यानी इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में दो, वो आपसे बोले कि गिव मी योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब हमें अपने कथन को राइटिंग फॉर्म में दो, लिखित रूप में दो। आगे बात करते हैं इन ब्लैक एंड ब्लू, मतलब ब्लैक और ब्लू में, तो इसका मीनिंग जो इसका अर्थ होता है वो बड़ा अजीब होता है, कवर्ड विथ ब्रूसेस, ब्रूसेस मतलब होता है पिटना, मतलब बुरी तरह से पिटना। देखिए यहाँ पर कितना मीनिंग चेंज हो गया, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो गया इन राइटिंग मतलब लिखित रूप में, लेकिन इन ब्लैक एंड ब्लू की अगर बात करें तो इसका मतलब हो जाता है बुरी तरह से पिटना, मतलब जो बुरी तरह से मार खाकर आया हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि इन ब्लैक एंड ब्लू होकर आया है, मतलब बुरी तरह से लात जूता खाकर वो आया है। आगे बात करें तो है ऑन द होल, ऑन द होल, ऑन द होल का मतलब क्या होता है, कंसिडरिंग एवरीथिंग, मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर। ऑन द होल का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए। जैसे मान लीजिए कोई लड़की बोली आपसे आई हैव कम टू मीट यू ऑन द होल, मतलब मैं आपसे मिलने आई हूँ सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर, मतलब अपने जो माता पिता हैं उनको ध्यान में रख कर मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है ऑन द होल, मतलब ऑन द होल का मतलब क्या हो गया, कंसिडरिंग एवरी थिंग। अब आगे बात करें हम तो आगे है डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल स्टिल वर्किंग, मतलब उस समय मृत्यु हो जाना जो किसी कार्य जो अपने नियमित कार्य को कर रहा हो। जैसे कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि डाई इन हार्नेस, मतलब कार्य करते हुए मर गया है। ठीक है, जैसे फार्मर कोई खेत में मर गया तो उसको क्या बोलेंगे, कार्य करते मर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि डाई इन हार्नेस। तो चलिए यहाँ पर समाप्त होता है आज का वर्ड, और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और हम इसे और बेहतर बनाएंगे। ये अभी तो फर्स्ट वीडियो है, हमारी कोशिश रहेगी कि इसे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, जिसके लिए हमें आपकी भी सहयोग पड़ेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और हमें जितना हो सकता है हम उतना मेहनत करेंगे, और आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। चलिए धन्यवाद।